अपन स्टार्ट कर रहे हैं ओ रकम आई के लिए बन फंड चाहिए कर, अब से के आए हैं और सबके परि एक मिनट ये बता ही नहीं रहा है भी भी पूरी नहीं आ रही है देखो मैंने तो इसके सेल डाउन हो गए पक्की बात है तो? तो, तो फिर ये देखो ना ये पूरा रेड पे टच होना चाहिए रेड पे जा भी नहीं रहा है जबकि गेन पूरा बढ़ा दिया मैंने अब आई आवाज बच्चों को देखो एक बार कुछ और हो जाए करा क्या कुछ हेलो अब क्लियर है चलो हाँ गरम का बोलो ना ठीक थैंक यू <laughs> तो यार कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंट्री होती है बिजनेस करने के लिए बनाई यार बिजनेस करना है तो पैसों की जरूरत होती है अब पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी के पास फंड रेस करने के अलग अलग सोर्स होते हैं कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी शेयर इशू कर सकती है कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है कंपनी लोन ले सकती है तो भांति भांति और भिन्न भिन्न प्रकार के सोर्स होते हैं कंपनी के फंड रेस करने के पर्पज से यार सबके अपने अपने फायदे हैं सबके अपने अपने नुकसान हैं एंड रिजल्ट सबका एक ही है कि कंपनी को पैसा मिल जाता है बाकी सबके अपने अपने एडवांटेज हैं और सबके अपने अपने क्या हैं डिसएडवांटेज बोले ठीक है यार <coughs> इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं शेयर्स के तो शेयर्स का जनरल मीनिंग देखते हैं लीगल डेफिनेशन देखते हैं जनरल मीनिंग तो यार शेयर का मतलब यही होता है हैव अ पोर्शन ऑफ समथिंग विद अदर्स कि मैं किसी दूसरे के साथ किसी चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूं शेयर कर रहा हूं शेयर का मतलब वही होता है जो जनरली आप समझते हो और कोई मतलब नहीं है है ना तो वन पार्ट ऑफ इनटू विच अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड है ना तो जो लार्ज अमाउंट या लार्ज अमाउंट के अंदर कंपनी की कैपिटल डिवाइड होती है उसमें मेरा जो पोर्शन है उसमें मेरा जो पार्ट है उसे क्या कहा जाता है शेयर लीगल डेफिनेशन अगर शेयर की देखें तो लीगल डेफिनेशन दी है सेक्शन टू क्लॉस 84 में वो कहता है शेयर मतलब शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जिसमें स्टॉक को इंक्लूड किया है शेयर मींस शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जिसमें स्टॉक को इंक्लूड किया है तो ये डेफिनेशन पढ़ के समझ में आता है कि यार शेयर्स के अंदर स्टॉक को भी शामिल है ये डेफिनेशन पढ़कर आता है कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है उसमें जो आपका पार्ट है उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें जो आपका हिस्सा है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं शेयर्स बोलते हैं अब शेयर्स को मॉनिटरी टर्म में मेजर किया जाता है दो पर्पज से पहला लाइबिलिटी फिक्स करने के पर्पज से

हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर लेते हैं दो पर्पज से एक तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए कि वो कंपनी को कितना पैसा देगा एंड दूसरा कंपनी की लाइबिलिटी फिक्स करने के लिए कि कंपनी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न देगी कितनी इनकम देगी कितना पेमेंट करेगी फिर शेयर्स जो है हम दो तरह से इशू कर सकते हैं एक फिजिकल मोड में इशू होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में इशू होता है फिजिकल मोड में शेयर इशू करना मतलब पेपर शेयर हो गया कागज के ऊपर हो गया एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो सर्टिफिकेट शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है वो उसकी का प्रूफ है तो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं फिजिकल मोड में खरीदे हैं तो मुझे फिजिकल मोड में शेयर खरीदने का फिजिकल प्रूफ दिया जाएगा जिसे क्या बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट बट अगर मैं डीमेट के अंदर शेयर खरीदना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर शेयर खरीदना चाहता हूं इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर खरीदना चाहता हूं तो ऐसी सिचुएशन में मुझे डिपॉजिटरी के के पास एक अकाउंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उस अंदर सारा पैसा क्रेडिट किया जाता है मुझे डिपॉजिटरी के पास एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उस डीमेट अकाउंट में सारा पैसा क्या कर दिया जाता है क्रेडिट कर दिया जाता है शेयर्स क्रेडिट उसी अकाउंट के अंदर हो जाते हैं तो फिजिकल मोड में अगर शेयर दिए गए हैं तो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर शेयर्स दिए गए हैं तो मेरा जो डीमेट अकाउंट होगा उस डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे फिर फिजिकल मोड के अंदर जब शेयर्स दिए जाते हैं तो दो जने इन्वॉल्व होते हैं एक होती है कंपनी जो शेयर इशू कर रही है एक होता है इन्वेस्टर जो शेयर ले रहा है तो जैसे मैंने रिलायंस के लिए हैं तो मैं और रिलायंस उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे दो ही पार्टी रहेगी बट जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर दिए जाते हैं तो तीन परसेंट इन्वॉल्व होते हैं एक तो कंपनी जो शेयर इशू कर रही है एक इन्वेस्टर जो शेयर खरीद रहा है एक डिपॉजिटरी जो दोनों के बिहाफ पर कंपनी के एज इन्वेस्टर well के बिहाफ पर शेयर को इलेक्ट्रॉनिक मोल्ड में होल्ड करके रखता है अपने पास करके रखता है। एक तरह से ही होता है जिसकी कस्टडी में हमारी सिक्योरिटी रखी जाती है जैसे बैंक अकाउंट होता है ना जिसमें हमारे पैसे रखे हुए हैं ऐसे सी अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर्स रखे हुए हैं <clears throat> फिर फिजिकल मोड में एग्रीमेंट होता है कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में दो जने हैं तो दो ही के बीच में होगा जबकि इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर जो एग्रीमेंट होता है वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है वो तीन जनों के बीच में होता है कंपनी डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर कंपनी का एग्रीमेंट होता है इन्वेस्टर के साथ जिसमें कंपनी उसे शेयर्स देने का प्रॉमिस करती है इन्वेस्टर पैसे देने का प्रॉमिस करता है इन्वेस्टर का एग्रीमेंट होता है डिपॉजिटरी के साथ जिसमें डिपॉजिटरी इन्वेस्टर का एक डिमेट अकाउंट खोल देता है और ये प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी सिक्योरिटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपनी कस्टडी में अपने पास रखेंगे फिर डिपॉजिटरी का एग्रीमेंट कंपनी के साथ भी होता है जिसमें कंपनी और डिपॉजिटरी के आपस में क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे वो डिसाइड कर दिया जाता है तो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है नेक्स्ट आइडेंटिटी फिजिकल मोड में जब शेयर इश्यू किए जाते हैं तो उनका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जैसे मेरे पास 200 का नोट है आपके पास भी 200 का नोट है दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं बट उनका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है राइट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उस नंबर से मेरा नोट अलग है और आपका नोट अलग है अब अगर रिलायंस कंपनी में मेरे पास पांच फिजिकल शेयर है शर्मा जी के पास भी 500 फिजिकल शेयर्स हैं तो यार दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाएगा कि मेरे वाले 500 कौन से और शर्मा जी वाले 500 कौन से तो यार फिजिकल मोड में जब शेयर इश, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो डिस्टिंक्टिव नंबर दिया जाता है सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है और उसी नंबर से रिकॉगनाइज किया जाता है जबकि जब इलेक्ट्रॉनिक जब मोड के अंदर शेयर चले जाते हैं तो वो फंजिबल बन जाते हैं उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है वो फंजिबल हो जाते हैं कोई सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है अरे यार बैंक में आपने पांच हजार रुपए जमा करे नेक्स्ट टाइम जब वापस लेने जाओगे तो क्या वो वही वाले पांच हजार रुपए आपको वापस करेगा या वही वाले नोट वापस करेगा जो आप डिपॉजिट करके गए थे नहीं क्यों जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में वो चीज गई उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई <coughs> फिर फिजिकल मोड में जब शेयर्स दिए जाते हैं तो शेयर होल्डर का रिकॉर्ड कंपनी रखती है शेयर होल्डर का रिकॉर्ड कंपनी रखती है इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब शेयर दिए जाते हैं तो शेयर होल्डर का रिकॉर्ड डिपॉजिटरी रखता है फिजिकल मोड में जब शेयर्स दिए जाते हैं तो शेयर होल्डर का नाम ही रजिस्टर ऑफ मेंबर में आता है और आप रोम में बसे होते हो बट जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स दिए जाते हैं तो रोम में तो केवल डिपॉजिटरी का नाम आता है रोम कंपनी रखती है जिसमें केवल डिपॉजिटरी का नाम आता है तो इन्वेस्टर कहां जाता है तो इन्वेस्टर का नाम डिपॉजिटरी एक अकाउंट मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर उस रजिस्टर के अंदर इन्वेस्टर का नाम जाता है सारे बेनिफिट इन्वेस्टर ही लेगा लेकिन नाम किसका रहेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका रहेगा डिपॉजिटरी का रहेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम मेंबर का रहेगा शेयर होल्डर का ही रहेगा अगर फिजिकल मोड में है तो चलो अब तो हमने डेफिनेशन देख ली सेक्शन टू एट्टी फोर यही बोलता है शेयर मीन शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जिसमें इंक्लूड किया है स्टॉक को फिर हमारे यहां सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट में जो सेक्शन 44 है वो यही बोलता है शेयर्स और डिबेंचर मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं और जिस तरह से एक पर्सन अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है उसी मैनर में शेयर्स और डिबेंचर को भी ट्रांसफर किया जा सकता है ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू वो कंडीशन जो कहां लिखी हो कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी हो मेमोरेंडम आर्टिकल के अंदर लिखी हो उन्हें कंप्लाई करो और कर लो ट्रांसफर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने पढ़ा है उसमें गुड्स की डेफिनेशन दी भी है एंड गुड्स की डेफिनेशन के अंदर शेयर्स को इंक्लूड किया है तो इंडिया में तो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर शेयर्स शेयर्स हैं या shares को गुड्स माना जाता है क्यों क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ऐसा लिखा है लेकिन हाँ शेयर्स हमेशा अलॉटमेंट के बाद ही गुड्स बनते हैं अलॉटमेंट के पहले नहीं हमेशा अलॉटमेंट के बाद ही वो गुड्स माने जाते हैं पहले नहीं क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट के पहले का नहीं होता है. जैसे ही अलॉटमेंट करते हो, वो हो गया मोड में अगर आपने शेयर इशू किए हैं तो उनका डिस्टिंक्टिव नंबर होता है सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब आप शेयर इशू करते हो तो वो फंजिबल हो जाते हैं उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होता है नेक्स्ट काइंड ऑफ शेयर्स तो यार शेयर जो है वो दो तरह के होते हैं एक होता है इक्विटी शेयर एक होता है प्रेफरेंस शेयर ऐसा सेक्शन फोर्टी थ्री के अंदर कहा है फोर्टी थ्री आगे हमें ये बोलता है बोले यार जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास दो तरह के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं और जो प्रिफरें नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं उम्मीद है आप लोग रिवाइज कर रहे बेटा है है ना बैठ के प्रवचन मत सुनना प्लीज बोलते जाना तो हमें बोला गया है क्या कि एसी शेयर कैपिटल जिन्हें दो तरह के राइट हो, के उपर, वो कहलाते हैं एसी शेयर कैपिटल कौन कौन से दो प्रिफरेंशियल राइट पहला प्रिफरेंशियल राइट है डिविडेंड के लिए दूसरा प्रिफरेंशियल राइट है कैपिटल के रीपेमेंट के लिए तो जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है या उन्हें फिक्स अमाउंट का डिविडेंड दिया जाता है जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है ना ही उन्हें हर साल एक फिक्स अमाउंट का डिविडेंड दिया जाता है अरे यार इक्विटी को कितना डिविडेंड देंगे नहीं देंगे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है एंड एजीएम हम करने वाले होते हैं एजीएम का सेकंड ऑर्डनरी बिजनेस ही होता है क्या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड तो डायरेक्टर जब अपनी रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट के थ्रू डिविडेंड रिकमेंड करते हैं ना, करते है ना डायरेक्टर्स डिविडेंड रिकमेंड करते हैं शेयर होल्डर फिर डिक्लेयर कर देता है वो इक्विटी की प्रोसेस होती है तो प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है हर साल उन्हें फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे वो भी इक्विटी को देने के पहले मतलब पहले पेमेंट इक्विटी को नहीं होगा पहला पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा उसके बाद इक्विटी को देंगे जब प्रेफरेंस को डिविडेंड देंगे तो उनकी रेट फिक्स रहेगी फिक्स रेट से दे देंगे उनको देने के बाद इक्विटी को डिविडेंड देना है नहीं देना है वो बोर्ड की इच्छा पर डिपेंड करता है किस रेट से देना है, वो भी बोर्ड डिसाइड करता है फिर जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो यार सारी असेट्स को क्या कर दिया जाता है सेल लाइबिलिटी का क्या कर देते हैं भाई पेमेंट कर देते हैं फिर जो पैसा बचता है उससे हम शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर हमारे पास दो तरह के हो गए इक्विटी हो गए प्रेफरेंस हो गए पहले पेमेंट इक्विटी को नहीं जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाता है तो वाइंडिंग अप के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है क्या राइट होता है कि जब कंपनी का क्या होगा अप और जब शेयर होल्डर को पेमेंट करने की बात आएगी तो पहले पेमेंट प्रिफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा उसके बाद पेमेंट इक्विटी को देंगे पहले प्रेफरेंस की पूरी कैपिटल का पेमेंट कर दिया जाता है फिर बचा कुचा पेमेंट किसको दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है तो प्रेफरेंशियल राइट right, इन दो मैटर्स पर प्रेफरेंशियल राइट right किस किस को है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है और जिस शेयर कैपिटल को ये दो प्रेफरेंशियल राइट right होते हैं वही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहलाती है जिनको ये दो राइट नहीं है वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएंगे फिर प्रेफरेंशियस अलग अलग तरह के होते हैं क्यूमुलेटिव होता है नॉन क्यूमु मतलब हर साल आपको डिविडेंड देना ही है बट डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए अगर मेरे पास प्रॉफिट नहीं है तो मैं डिविडेंड नहीं दे पाऊंगा और अगर मैंने डिविडेंड नहीं दिया किसी ईयर में तो वो डिविडेंड का राइट उनका खत्म नहीं हो जाता है वो राइट एक्यूमुलेट होता जाता है और इकट्ठा होता जाएगा जब तक कि आप पुराना पे नहीं करोगे तब तक आप नया डिविडेंड ना तो प्रेफरेंस को दोगे ना इक्विटी को लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉन तो यार जिस साल प्रॉफिट होगा डिविडेंड दे दूंगा जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ डिविडेंड नहीं दूंगा और वो अक्यूमुलेट नहीं होगा सीधी सीधी सी बात है फिर पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं पार्टिसिपेटिंग मतलब बोले यार पहले तो प्रॉफिट में से डिविडेंड अपन प्रेफरेंसर होल्डर को दे देते हैं उनके फिक्स रेट का फिर एक रेट जो बोर्ड डिसाइड करता है उससे इक्विटी को दे देते हैं और उसके बाद भी जो सरप्लस बचती है उसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं अपने कैपिटल के रेशो में अगर प्रेफरेंसर पार्टिसिपेटिंग है तो लेकिन अगर प्रिफरेंसियर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो यार जो उनके फिक्स रेट का डिविडेंड है वो उन्हें दे, दे देंगे बस उसके बाद पूरा प्रॉफिट किसका हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर का उसके बाद जो सरप्लस बसता है उसमें को एक ढेला भी एक रुपया भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा वो सारी असेट्स बेचेंगे लाइबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे जब शेयर कैपिटल के, के पेमेंट की बात आएगी तो पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पूरा पैसा दे देंगे फिर इक्विटी को पूरा पैसा दे देंगे और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर करेंगे अगर प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग है तो लेकिन अगर वो पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो पहले प्रेफरेंस को पूरा पैसा दे दो फिर इक्विटी को पूरा पैसा दे दो फिर जो सरप्लस बचा वो भी पूरा इक्विटी का ही है प्रेफरेंस को उसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है ये होते हैं। तो जैसे वाले में हमने थे। क्या बोलते हैं यही बोलते हैं कि ये मैं बता रहा हूं बट मैं बोल रहा हूं तो इसको ऐसा मान ले तो यह प्रेफरेंस है नहीं बट लॉ बोल रहा है तो प्रिफरेंस है नहीं बट लॉ बोल रहा है किस मान ले तो मैं मान लूंगा ये चीज ऐसी है नहीं बट लॉ ने मान लिया तो मेरे को भी मानना पड़ेगा तो नॉर्मली जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं यार वो वो चीज ले रहे हैं जो एक्चुअली इक्विटी की होती है तो यार ये तो एज गुड एज इक्विटी शेयर होल्डर हो गए हाँ यार लगता तो ये सही है तो क्या मैं इक्विटी मान लू अगर नहीं दिया होता तो मैं हो सकता इक्विटी मान लेता बट डीम्ड प्रेफरेंस शेयर के अंदर यही कहा है कि भाई वो दिख इक्विटी जैसा रहा है बट मैं कह रहा हूं ना तू उसे प्रेफरेंस मान ले और क्योंकि मैंने कहा है तो तेरे पास ऑप्शन नहीं है लॉ ने कहा है तो ऑप्शन नहीं है तेरे को उसको प्रेफरेंस मानना पड़ेगा <laughs> तो कैपिटल जो है वो डीपीएस मतलब शेयर्स कहलाएगी तो बोल दिया नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज इंटाइटल टू इधर और बोथ राइट भले ही वो डिविडेंड में पार्टिसिपेट करें भले ही वो कैपिटल में पार्टिसिपेट करें इक्विटी को देने के बाद भले ही वो दोनों में पार्टिसिपेट करें तो भी उन्हें पार्टिसिपेटिंग वालों को तुम इक्विटी मत मानना उन्हें प्रेफरेंस मानना क्योंकि लॉ ऐसा कह रहा है तो बोल दिया है कि जो डिविडेंड लेने का राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फोर्टी थ्री टू ए के अकॉर्डिंगली जो उनके फिक्स रेट का डिविडेंड लेने का राइट है उसके अलावा भी अगर उन्हें राइट दिया है पार्टिसिपेट करने का कंपनी की कैपिटल के अंदर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर उस प्रॉफिट के अंदर जो अदरवाइज उनका नहीं है उस प्रॉफिट के अंदर जो अदरवाइज उनका नहीं है तो उस कैपिटल को भी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ही माने के भले वो उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नॉर्मली किसको अवेलेबल कराई जाती है इक्विटी को तो भी इन्हें प्रिफरेंस ही माने फिर इसी तरह से वाइंडिंग अप के अंदर जब कंपनी का क्या होगा बंद होगी कंपनी डिसॉल्यूशन हो रहा है कंपनी का तो यार सारी एसेट्स बेचेंगे का पेमेंट कराएंगे प्रेफरेंस को पहले उनकी पूरी कैपिटल दे, दे देंगे फिर इक्विटी को पूरी कैपिटल दे, दे देंगे और जो पैसा बच रहा है वो नॉर्मली इक्विटी का ही होता है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है यार ये तो वो राइट ले रहा है जो इक्विटी के पास होते हैं तो इसको तो इक्विटी मानना चाहिए But मैं बोल रहा हूं तो इसको प्रिफरेंस मान तो ठीक है हम इसे प्रेफरेंस मान लेंगे तो इन एडिशन टू प्रिफरेंशियल राइट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल वाइंडिंग अप के अंदर जो अमाउंट स्पेसिफाइड है वाइंडिंग अप के अंदर उनकी कैपिटल का वो लेने के अलावा उनके पास एडिशनल राइट right है सरप्लस में पार्टिसिपेट करने का चाहे फुल्ली हो चाहे टू सम हो जो सरप्लस बचा हुआ है इंटायर कैपिटल का पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचा है ये उसमें भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो भाई भले ये वो चीज ले रहा है जो इक्विटी के पास होती है लेकिन नहीं मानना तू तो इसे इक्विटी मैं कह रहा हूं इसे प्रेफरेंस मान और अगर लॉ ने कह दिया है देन वी डोंट हैव एनी चॉइस नेक्स्ट कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल तो जो मैच्योरिटी होती है शेयर्स हो चाहे डिबेंचर हो जब वो मैच्योर हो जाते हैं मतलब रीपेमेंट के लिए ड्यू हो जाते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये दो चीजें हो सकती है। पहला टर्म्स एंड कंडीशन में रिडम्पशन रिडम्पशन का का लिखा था। का लिखा था था मतलब मैच्योरिटी पर मतलब ड्यू डेट पर हम उन्हें कैश का पेमेंट कर देंगे मैच्योरिटी का लिखा था तो रिडम्पशन का लिखा था तो मैच्योरिटी पर ड्यू डेट पर हम उन्हें लिफाफा बनाकर दे देंगे खत्म खेल लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन में कन्वर्जन का लिखा था तो जब मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट आएगी तो जितनी वैल्यू के प्रेफरेंस हैं, उसके बदले में हम उन्हें इक्विटी शेयर्स दे देंगे सौ रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर था तो सौ रुपए के इक्विटी शेयर उन्हें दे दिए जाएंगे अगर वो कन्वर्टेबल है तो ठीक है एंड तीसरा होता है रोलओवर बोले क्या मतलब अगर ड्यू डेट पर मतलब मैच्योरिटी पर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है तो यार कन्वर्ट कर दे उसे इक्विटी में नहीं नहीं कन्वर्जन का तो ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन तो काहे का था रिडम्शन का मुझे तो उसे पेमेंट कैश में ही करना था हाँ अगर कन्वर्जन का ऑप्शन होता तो मैं इक्विटी दे ही देता बट कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है मतलब क्या करना है है अब यार करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो सेक्शन 55 हमने पढ़ा था कि हम किसके पास जा सकते हैं एनसीएलटी के पास देन एनसीएलटी कंपनी की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए परमिशन दे देगा कहे की परमिशन दे देगा कि काम कर पुराने वाले प्रिफरेंस शेयर्स के बदले में नए प्रिफरेंस शेयर इशू कर दे पुराने वाले प्रिफरेंस शेयर्स के बदले में नए प्रिफरेंस शेयर इशू कर दे और जब हम नए प्रिफरेंस शेयर इशू कर देते हैं पुराने वाले लेकर तो पुराने वालों का रिपेमेंट मान लिया जाता है नए वाले एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं इसे बोलते हैं रोल ओवर रिडम्शन करना मतलब ड्यू डेट पर पैसा देना कन्वर्जन करना मतलब ड्यू डेट पर इक्विटी शेयर देना कब रिडम्शन करोगे कब कन्वर्जन करोगे सब टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा रहता है करने बट करना मुझे था मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो मैं उतनी ही वैल्यू के नए क्या दे दूंगा प्रिफरेंस शेयर्स दे दूंगा वो कहलाएगा रोलओवर बट उसके लिए मुझे अप्रूवल लगेगी किसकी अप्रूवल लगेगी तो बोले भैया इनसेलटी <laughs> फिर इक्विटी शेयर भी आप दो तरह के होते हैं बोटिंग राइट्स वाले और डीवीआर वाले डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले अब ये डिफरेंस आप इक्विटी में किस बेसिस पर कर रहे हो डिविडेंड के बेसिस पर वोटिंग के बेसिस पर या अदरवाइज किसी बेसिस पर आप डिफरेंस कर सकते हो है ना तो ये काइंड ऑफ शेयर हमने देखा डीम डिप्रिफरेंस शेयर देखा अब सेक्शन फोर्टी सेवन वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर बोले यार ये दो तरह के शेयर्स हो गए बोले यार इक्विटी शेयर्स हो गए और प्रेफरेंस शेयर्स हो गए तो इनके पास वोटिंग राइट्स किसके पास रहता है तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास तो सारे मैटर्स पर वोट डालने का राइट right होता है सब मैटर्स पर इक्विटी शेयर वोट डालता है वो एक्चुअल ओनर है कंपनी का जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर केवल इन चार मैटर पर ही वोट देने का राइट right रखते हैं पहला ऐसा कोई रिजोल्यूशन ऐसा कोई प्रपोजल ऐसा कोई मैटर जो उनके राइट को डायरेक्टली अफेक्ट करे जिससे शेयर होल्डर्स के राइट प्रभावित हो रहे हो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हो तो यार जब प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो यार उनसे भी पूछना चाहिए ना तो ठीक है उनसे भी पूछेंगे फिर कंपनी का अगर वाइंडिंग अप हो रहा है अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो भी से पूछा जाएगा अगर वॉलेंट्री वाइंडिंग है तो उनसे भी पूछेंगे यार कंपनी बंद कर रहे हो उनका भी पैसा लगाया तीसरा अगर कैपिटल तो बोले रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है इक्विटी को उनका पैसा वापस किया जा रहा है किसको पैसा देते हैं प्रेफरेंस को लॉ तो यही कहता है तुम रिडक्शन करके पहले इक्विटी को पैसा दे रहे हो प्रेफरेंस को दे नहीं रहे हो तो पहले पूछ उससे प्रिफरेंस शेयर होल्डर से पूछ बोले ठीक है यार पूछ लेंगे एंड लास्ट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पिछले दो साल या ज्यादा का डिविडेंड अनपेड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है दो साल या उससे ज्यादा का डिविडेंड अनपेड चल रहा है तो भाई मेरे उन्हें तो सारे मैटर्स पर वोट देने का राइट आ जाएगा उन्हें सारे रेजोल्यूशन पर वोट देने का राइट आ जाएगा उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर के बराबर वोट देने का राइट आ जाएगा बट हांफरेंस की हमेशा वोटिंग पोल वाली ही होती है पोल वाली मतलब पेडअप कैपिटल के, के परसेंटेज वाली है। जबकि इक्विटी की वोटिंग शो ऑफ हैंड वाली भी होती है पोल वाली भी होती है पोल तब करते हैं जब पोल की क्या की जाए डिमांड बट प्रेस शेयर होल्डर के, के केस में तो हमेशा वोटिंग पोल वाली मतलब पेडअप शेयर कैपिटल में उनका कितना परसेंटेज है उस बेसिस पर ही होती है इक्विटी प्रेफरेंस में डिफरेंस है बहुत सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट हमें दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सेक्शन 52 तो यार शेयर्स हम एट पार इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं एट पार मतलब दस रुपए का शेयर दस में ही इशू किया एट प्रीमियम मतलब दस रुपए का शेयर हायर प्राइस पर इशू किया सपोज पचास रुपए में इशू किया तो चालीस रुपए क्या हो गई प्रीमियम एट डिस्काउंट मतलब दस का शेयर कम में इशू किया सपोज नौ रुपए में इशू किया तो एक रुपए क्या हो गया डिस्काउंट हो गया अब शेयर पार इशू करना है प्रीमियम इशू करना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है उन्हें लॉ के प्रोविजन कंप्लाई करते हुए ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो शेयर किस तरह से इशू करना चाहते हैं बट हा डिस्काउंट पर शेयर इश्यू करना प्रोहिबिटेड है सेक्शन 53 में कुछ एक्सेप्शन दिए हैं उन एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आप डिस्काउंट पर भी शेयर इशू कर सकते हो बट नॉर्मली अब डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते अब अगर प्रीमियम पर शेयर इशू कर रहे हैं तो सेक्शन 52 लगता है सेक्शन 52 टू नहीं बताता है कि मैं कितने अमाउंट की प्रीमियम लू दस का शेयर सो में इशू करूं हजार में जैसे अभी टाटा का इशू आया था लगभग पांच सौ रुपए में शेयर इशू किया दस वाला चार सौ नब्बे की प्रीमियम ली चार सौ नब्बे ही क्यों ली ज्यादा क्यों नहीं ली तो सीधी सीधी सी बात बोली है कि प्रीमियम कितना रहेगा वो लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं फिफ्टी टू यह नहीं बताता है कि प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा लेकिन फिफ्टी टू यह जरूर बताता है कि जो तेने प्रीमियम इकट्ठा किए भेला की है शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं प्रीमियम के उसे यूज किस पर्पस से तू कर सकता है वो जरूर कौन बताता है फिफ्टी टू तो सबसे पहले बोला है प्रीमियम प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा प्रीमियम प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा इसका मतलब जिस तरह से तुम प्रॉफिट को ट्रीट करते हो उस तरह से प्रीमियम को ट्रीट नहीं कर सकते क्या मतलब प्रॉफिट तो मैं किसी भी परपस से यूज कर सकता हूं सबसे जरूरी चीज डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकता हूं बट प्रीमियम इतने इजीली यूज नहीं हो सकती है प्रीमियम के कुछ रिस्ट्रिक्टेड यूज है उन्हीं परपस से होगी और मेनली डिविडेंड पे करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगी प्रीमियम कैश में भी मिल सकती है काइंड में भी मिल सकती है कैश में कैसे दस का शेयर दस का शेयर हमने पचास में दे दिया तो चालीस रुपए पर शेयर की कैश प्रीमियम आ गई अब अगर एक हजार शेयर इशू किए हैं तो चालीस हजार रुपए कहां ट्रांसफर कर दोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, में कैसे आएगी? काइंड में ऐसे आई कि मुझे एक लाख रुपए किसी को पे करना थे मान लो मैंने एक लाख रुपए की असेट्स खरीदी थी तो मुझे एक लाख रुपए पे करना थे ठीक है अब एक लाख रुपए पे करने के बजाय वो मेरे से शेयर्स लेने को तैयार है शेयर उसे पंद्रह रुपए प्रीमियम मतलब पच्चीस रुपए में दिया तो मैंने नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू कर दिए चार हजार कर दिए ठीक है तो चार हजार इंटू पंद्रह मतलब साठ हजार रुपए की मुझे प्रीमियम मिली है जो कैश में नहीं मिली है इन द फॉर्म ऑफ असेट मिली है तो भी मुझे साठ हजार रुपए कहां ट्रांसफर करना पड़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं कैपिटल अकाउंट में तो कितना जाएगा दस इंटू चार हजार मतलब चालीस हजार रुपए कैपिटल अकाउंट में जाएगा साठ हजार रुपए प्रीमियम अकाउंट में जाएगा तो प्रीमियम चाहे कैश मिली हो चाहे काइंड मिली हो आपको पूरा अमाउंट एक स्पार्क खोल देना है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर देना है <coughs> बोले ठीक है यार फिर जो प्रीमियम अकाउंट है उसे उसी सेंसिटी के साथ उसी प्योरिटी के साथ पवित्रता के साथ शुद्धता के साथ अब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मेंटेन करना है जिन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप शेयर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हो फिर फिर क्या बोला है कि प्रीमियम पे करने पर शेयर होल्डर को कोई स्पेशल प्रिविलेज कोई स्पेशल राइट right नहीं मिलता है दस का शेयर उसने पच्चीस में ले लिया तो भी कोई उसे स्पेशल प्रिविलेज या राइट मिलने वाला नहीं है है ठीक अब टू सबसेक्शन वन बोलता है ये तो हमने जनरल डिस्कशन किया यहां से सेक्शन स्टार्ट होता है कि कंपनी चाहे प्रीमियम कैश में या अदरवाइज रिसीव करे जितना पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देना प्रीमियम अकाउंट को

फुल्ली पेड शेयर इशू करने के लिए पार्टली पेडअप नहीं बोनस शेयर हमेशा फुल्ली पेडअप ही होते हैं दूसरा जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था उन्हें राइट ऑफ करना है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए तीसरा मैंने इशू के ऊपर कमीशन पे किया शेयर से डिबेंचर इशू किया था कमीशन पे किया जैसे अंडर राइटिंग कमीशन या डिस्काउंट पर इशू किए थे अलाउड था पहले डिस्काउंट पर इशू करना अभी भी कुछ पर्पज से है तो मैंने डिस्काउंट पे शेयर इशू किए हैं या इशू करने से रिलेटेड मेरे जो हुए थे जो मेरा खर्चा है तो वो मैं प्रीमियम अकाउंट में से क्या कर सकता हूं एडजस्ट कर सकता हूं ट्रांसफर वहां से राइट ऑफ कर सकता हूं फिर मुझे प्रिफरेंशियस या डिबेंचर्स का रिडम्शन करना है रिडम्शन पर एक तो मैं उन्हें फेस वैल्यू दूंगा एक क्या दूंगा प्रीमियम दूंगा मान लो फेस वैल्यू उनकी है सौ रुपए और मैं दस रुपए प्रीमियम मतलब एक सौ दस में दे रहा हूं तो ये सौ रुपए का पैसा तो मैं प्रॉफिट में से निकाल लूंगा बट ये दस रुपए का अमाउंट जो है प्रीमियम का वो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकता हूं पूरा एक सौ दस नहीं फिर बायबैक करना है सेक्शन सिक्सटी एट के अकॉर्डिंगली तो बायबैक करने का पैसा भी स्पा में से आ सकता है नेक्स्ट सेक्शन 53 यार मना करता है सेक्शन 53 कि भैया मेरे डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करोगे फिर एक्सेप्शन है केसेस में कर सकते हैं फिर यह है कि मना करने के बावजूद तुमने करा मैं निपटा दूंगा मैं जेल बिल भेज दूंगा पेनल्टी लगा दूंगा वो अलग है ना? तो क्या बोल दिया है कि सेक्शन 54 फोर मतलब स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पर इशू किए जा सकते हैं उनके अलावा शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होंगे 53 बहुत इंपॉर्टेंट है है ना सब सेक्शन के साथ याद रख लोगे तो बहुत अच्छा है सब सेक्शन टू का कहना पड़ रहा है जो शेयर्स आपने डिस्काउंट पर इशू किए हैं वो वॉइड कहलाएंगे अगर आपने एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट जाकर मना करने के बावजूद डिस्काउंट पर शेयर इशू कर दिया भैया वो वॉइड कहलाएगा ठीक है फिर सब सेक्शन टू ए का कहना पड़ रहा है कि भाई इन केसेस के अंदर मैं डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकता हूं किन केसेस के अंदर तो बोला है कि जो कंपनी है कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है ऐसी सिचुएशन में कंपनी अपने क्रेडिटर्स का उनके डेट का पेमेंट नहीं कर पा रही है नहीं कर पा रही है तो उस कंपनी के लिए स्टेचरी रिजोल्यूशन प्लान बनाया है आईबीसी में उस कंपनी के लिए स्टेचरी रिजोल्यूशन प्लान बनाया है आईबीसी में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली एक स्टेचरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम बनाई है है ना तो ऐसी सिचुएशन में क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि भाई हम उनका पैसा तो दे नहीं पा रहे हैं तो यार एक काम करो तुम शेयर्स ले लो अब क्रेडिटर बोलता है तेरी कंपनी की हालत वैसी खराब है मैं क्यों शेयर लूँ तो हम समझाते हैं भाई अगर इतना लोन कम हो जाएगा हम फिर से स्टार्ट करेंगे सब हो जाएगा अच्छे से वो अगर कन्विंस हो जाता है तो शेयर्स ले लेता है बट फिर वो क्योंकि गरज हमारी है बोलता है डिस्काउंट पे दे शेयर मेरे को हालत तेरी वैसी खराब है अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं होता है तो हम उसे डिस्काउंट पर शेयर दे सकते हैं अदरवाइज ऑर्डिनरीली इन दो सिचुएशन को छोड़कर स्वेट इक्विटी शेयर और स्टेचरी रिजोल्यूशन प्लान और डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम इनको छोड़कर आप कभी भी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते हो और आपने किया है तो वो वॉइड कहलाएगा पेनल्टी बेटा इसकी याद करनी है <laughs> चले अब हमें कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स और सेक्रेटल स्टैंडर्ड कंप्लाई करना होता है किसके लिए अनलिस्टेड कंपनी के लिए एंड लिस्टेड के लिए इन तीन के साथ सेबी गाइडलाइंस भी, भी कंप्लाई करना होती है तो अगर शेयर लिस्टेड कंपनी इशू कर रही है तो सेबी गाइडलाइंस भी कंप्लाई करेगी अनलिस्टेड कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है डिबेंचर इशू कर रही है तो केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए वो कंप्लाई करेगी चल सबसे पहले दिया है इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर है ना स्वेट मतलब क्या भैया पसीना ही होता है यार तो ये ऐसे शेयर होते हैं जो उन पर्सन को दिए जाते हैं जो कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं ये वो शेयर्स होते हैं जो उन पर्सन को दिए जाते हैं जो कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं मतलब कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के ऑफिसर कंपनी के इंप्लॉय क्यों दे रहे हैं यार तो उन्होंने हमें क्या अवेलेबल कराया है टेक्निकल नो हाउ उन्होंने हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में राइट अवेलेबल कराए हैं उन्होंने हमारी असेट्स का वैल्यू एडिशन किया है तो हम उन्हें रेम्यूनरेट करना चाहते हैं एक्स्ट्रा रेम्यूनरेट करना चाहते हैं तो इस परपस से हम उन्हें शेयर दे सकते हैं डिस्काउंट पर या कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश वापस से स्वेट इक्विटी शेयर पहले तो इक्विटी होता है प्रेफरेंस नहीं फिर ये डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को इशू किया जाता है काहे पर डिस्काउंट पर या कंसिडरेशन अदर देन कैश क्यों क्योंकि उन्होंने हमें टेक्निकल नोहाउ प्रोवाइड किया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में राइट्स प्रोवाइड किए हैं या क्या किया है वैल्यू एडिशन किया है इस कारण से फिर बोले यार ये एम्प्लॉय को तुम शेयर्स दे रहे हो बोले यार ये एम्प्लॉय का मतलब क्या है तो बोले एम्प्लॉय के अंदर परमानेंट एम्प्लॉय को लेना है चाहे फिर वो हिंदुस्तान में काम कर रहा हो भारत में काम कर रहा हो या भारत के बाहर काम कर रहा हो फिर दूसरा डायरेक्टर को भी देना है होल टाइम डायरेक्टर हो या ना हो मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी दे सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी दे सकते हैं फिर जो इंप्लॉय और डायरेक्टर आप पहले और सेकंड पॉइंट में जिन इंप्लॉय और डायरेक्टर को दे रहे हो वो इंप्लॉय और डायरेक्टर अपनी कंपनी के भी दे सकते हो अपनी सब्सिडी के भी दे सकते हो सब्सिडी चाहे इंडिया की हो चाहे इंडिया के बाहर में हो होल्डिंग कंपनी को भी डायरेक्टर एम्प्लॉय को दे सकते हो तो जैसे रिलायंस कंपनी अपने डायरेक्टर और एम्प्लॉय को तो शेयर्स दे ही सकती है वो रिलायंस अपनी सब्सिडरी के डायरेक्टर एम्प्लॉय को भी दे सकती है सब्सिडरी फिर भले उसकी इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो और रिलायंस की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके डायरेक्टर एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं नेक्स्ट अब अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना जा रही है तो वो क्या कंडीशंस कंप्लाई करेगी किन प्रोविजंस को कंप्लाई करके वो क्या दे सकती है स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर सकती है है ना अभी तो हमने केवल प्रोविजन पढ़ा था अब हम सेक्शन 54 पढ़ रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में 52 टू का था फिफ्टी डिस्काउंट का था फिफ्टी स्वेट इक्विटी शेयर का तो बोले हैं आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो भले ही फिफ्टी थ्री डिस्काउंट पर इश्यू करने की नॉर्मली मना करता है बट 53 में तो इसके लिए हाँ ही किया था ऑलरेडी तो होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं हा सही बोला तुमने पारी पासू है ना तो जैसे मैं पहले एक लाख शेयर इशू कर चुका हूं अब मैं दस हजार स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहता हूं तो ये दस हजार स्वेट इक्विटी शेयर इन एक लाख के जैसे ही हैं मतलब जो राइट और ऑब्लिगेशन इनके हैं ना एक लाख वालों के वही इनके रहेंगे

आस्कना पड़ता है किससे आस्कना पड़ता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से क्या पास करके हाँ स्पेशल रेजोल्यूशन और क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो पूछ लो <coughs> फिर, जब मैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करूंगा तो उसमें ये चीजें मेंशन करवा लूंगा पहला नंबर ऑफ शेयर्स कितने इश्यू कर रहा हूं करंट मार्केट प्राइस क्या है कंसीडरेशन क्या है किन डायरेक्टर और एम्प्लॉय को दे रहा हूं फिर अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी भी गाइडलाइंस कंप्लाई कर लूंगा अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए वो कंप्लाई कर लूंगा फिर जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो रैंकिंग पारी पासू बोल दिया वो ऑलरेडी इशूड क्लास के ही होंगे मतलब उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन वैसे ही रहेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हैं फिर यार ये स्पेशल बिजनेस है जब भी स्पेशल बिजनेस होता है तो स्पेशल बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है 102 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली तो दे दे यार ये सारी बकवास कर उसके अंदर याद करने सारे पॉइंट बट एक बार पढ़ लोगे तो अंदाजे से लिख सकते हो फिर ये कि यही बकवास हमने डायरेक्टर रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर करना पड़ती है फिर लगभग ये कि यही सारी चीजें हम जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं उसमें भी देना पड़ती है नेक्स्ट वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अब यार मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके परमिशन तो ले ली कि मैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करूंगा बट मुझे स्वेट इक्विटी शेयर रेजोल्यूशन पास करने के बाद कितने टाइम में इशू कर देने हैं तो बोले यार जब तक मेरा रेजोल्यूशन वैलिड है ना तब तक मैं कर सकता हूं इशू वही है जब तक तेरे पांव चलेंगे तेरे यार की चलेगी जैसा कि गब्बर ने बोला था बसंती को अपनी है ना तो जब तक रेजोल्यूशन वैलिड है तब तक तक मैं अलॉटमेंट कर कर सकता हूं स्वेट इक्विटी शेयर का एंड वैलिड होता है एक साल तक. एक साल के अंदर कर देना इशू अगर एक साल के अंदर इशू नहीं किया तो वापस से एबीसीडी करना पड़ेगी नेक्स्ट लिमिट्स ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बोले यार स्वेट इक्विटी शेयर मैक्सिमम में कितने इशू कर सकता हूं तो बोले यार है ना मैक्सिमम पंद्रह परसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल में दे सकता हूं एक फाइनेंशियल ईयर में या पांच करोड़ रुपए के शेयर एवर इज हायर है ना तो बोल दिया नॉट मोर देन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल इन अयर एक साल में पंद्रह परसेंट इक्विटी कैपिटल से ज्यादा नहीं और मिलाकर पांच करोड़ विच इज हायर उससे ज्यादा मैं इशू नहीं करूंगा लेकिन इशू करने के बाद मेरी जो टोटल इक्विटी कैपिटल है टोटल इक्विटी कैपिटल मतलब उसमें स्वेट इक्विटी शेयर्स भी हैं, नॉन स्वेट इक्विटी शेयर्स भी हैं, हाँ, तो मेरी जो टोटल इक्विटी कैपिटल है मेरी जो टोटल इक्विटी कैपिटल है मतलब स्वेट और नॉन स्वेट मिलाकर टोटल इक्विटी कैपिटल जो है उसमें स्वेट तो का परसेंटेज पच्चीस परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरी टोटल इक्विटी कैपिटल के, के अंदर टोटल पेडअप इक्विटी कैपिटल के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर शेल नॉट एक्सिड पच्चीस परसेंट पच्चीस परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीधी सीधी सी बात है। <laughs> फिर स्टार्टअप कंपनी अगर इश्यू कर रही है तो अगले दस साल तक मतलब इनकॉर्पोरेशन से लेकर 10 साल तक वो 50 परसेंट तक का इशू कर सकती है ये तो 25 परसेंट ही बोला था स्टार्टअप कंपनी को रिलैक्सेशन देकर बोल दिया पचास परसेंट तो तक कर यार बिंदास कर कर टेंशन क्या रहा है उसके कर, कर कर देख लेंगे अपन नेक्स्ट स्वेट इक्विटी शेयर टू बी लॉक्ड इन फॉर थ्री इयर्स लॉक इन पीरियड मतलब हमने पढ़ा था कि यार शेयर्स को क्या बना दे नॉन ट्रांसफरेबल बना दे. कि जिसके पास शेयर्स हैं तो यार शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं जब उसकी इच्छा हो वो ट्रांसफर कर सकता है लेकिन अगर हम उसे लॉक इन में कर दें तो हमने उसे नॉन नॉन ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल बना बना दिया। बना दिया मतलब यार वो चाहकर भी शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा वो चाहता है कि मैं शेयर ट्रांसफर कर दू भैया नहीं कर सकते भैया सीधी सी बात है। तो हम तीन साल के लॉक इन पीरियड के अंदर डाल देंगे कब से अलॉटमेंट से तीन साल के लॉक इन में डाल देंगे और आपने अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया है तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप रबर स्टाम्प से लिख दोगे बोल्डली मेंशन कर दोगे कि ये तीन साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकता नेक्स्ट वैल्यूशन एस्पेक्ट अब यार एक तो हम शेयर इशू कर रहे हैं इस प्राइस पर इशू करोगे उसकी सही सही कीमत का वैल्यूशन कराओ फिर तुमको असेट्स मिल रही है उस असेट्स की एक्चुअल कीमत कितनी है मार्केट वैल्यू कितनी है उसका वैल्यूएशन कराओ दो दो चीजों के मुझे वैल्यूएशन करवाने पड़ेंगे यार कराने पड़ेंगे तो पहला बोल दिया है क्या कि जो वैल्यूशन कराओगे वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराओगे फेयर प्राइस वो वैल्यू करके देगा और जो फेयर प्राइस उसने कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट करने का जस्टिफिकेशन जस्टिन बीबर बीबर जस्टिफिकेशन देगा ठीक है फिर जो असेट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैल्यूडेशन टेक्निकल लोहा आया है उसका भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराओ वो प्रॉपर रिपोर्ट देगा और वैल्यूशन करने का क्या देगा जस्टिफिकेशन ये दोनों रिपोर्ट ओन है ना जब तुम जनरल मीटिंग कॉल करोगे ना शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के लिए एस पास करना है ना तो एस आर का नोटिस इशू करोगे ना तो जब नोटिस इशू करोगे ना उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी ना स्पेशल बिजनेस है ना तो उसके साथ ये दोनों रिपोर्ट की कॉपी ओन लगा देना लगा देंगे मत स्वेट इक्विटी शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर हमने इशू किए हैं नॉन कैश कंसिडरेशन के रूप में नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब हमें असेट्स मिली है नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब हमें असेट्स मिली है कैश कंसिडरेशन मतलब हमने शेयर दिया था सामने वाले ने पैसा दे दिया तो कैश कंसिडरेशन हो गया कैश कंसिडरेशन मतलब हमने शेयर दिए वो पैसे नहीं दे रहा है वो हमें असेट दे रहा है नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वैल्यू एडिशन तुम्हें मिली हा मिली अब बोले यार उसको ट्रीट कैसे करूं मैं तो बोले यार वो असेट अगर डेप्रिशिएबल असेट है अगर वो असेट कैसी है डेप्रिशियेबल असेट बोले यार कैसे मालूम पड़ेगा डेप्रिशियबल असेट? बोले एस के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अगर वो डेप्रिशिएबल असेट है तो तो उसे कहां ट्रांसफर कर दे बैलेंस शीट में और हर साल डेप्रिशिएशन लगाता जाना और राइट ऑफ कर देना लेकिन अगर वो डेप्रिशिएबल असेट नहीं है लेकिन अगर वो डेप्रिशिएबल असेट नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में उसे एक्सपेंसेस मान ले और कहां ट्रांसफर कर दे पी एल में ट्रांसफर कर दे अब उसी रिलेशनशिप में ये पॉइंट समझते हैं क्या स्वेट इक्विटी शेयर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर वो जो नॉन कैश कंसिडरेशन था वो डेप्रिशिएबल असेट था तुमने उसे एस के अकॉर्डिंगली वो डेप्रिशियेबल असेट था बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया तो तो वो मैनेजरल रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा लेकिन अगर वो असेट नहीं था वो एक्सपेंसेस था तो रेम्यूनरेशन भी तो एक्सपेंसेस होता है तो वो मैनेजरल रेम्यूनरेशन का पार्ट माना जाएगा और अगर वो किसका पार्ट माना जाएगा मैनेजरल रेम्यूनरेशन का तो भैया 197 शेड्यूल पांच सब देख ले फिर सेम चीज बोर्ड में तो आप सारी चीजें बता ही दोगे यार रजिस्टर मेंटेन करना है बता दिया है नेक्स्ट शेयर्स विथ डी वी आर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स तो यार इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं वोटिंग राइट्स वाले और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले अब यार डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले हैं मतलब उनके राइट्स डिफरेंस अलग अलग है किस बेसिस पर डिविडेंड के बेसिस पर क्या मतलब किसी को डिविडेंड कम मिल रहा है किसी को ज्यादा मिल रहा है जैसे मैंने ए कैटेगरी के और बी कैटेगरी के इशू किए ए का डिविडेंड ज्यादा है बी का कम है तो डिविडेंड के बेसिस पर डिफरेंस कर दिया जिनका डिविडेंड कम है उनके पास वोटिंग राइट ज्यादा है इनके पास वोटिंग राइट कम है वोटिंग राइट के बेसिस पर डिफरेंस कर दिया या अदरवाइज भी तो तुम किसी बेसिस पर उनमें डिफरेंस कर सकते हो डीवीआर कहलाते हैं है ना <स्थाथ> अब अगर कंपनी डीवीआर वाले शेयर्स इशू करना चाहती है अब अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करना चाहती है तो भैया ये प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेंगे ये प्रोविजन कंप्लाई करे बिना डीवीआर वाले शेयर इशू नहीं होंगे पहला पहला बोल दिया है क्या आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए दूसरा रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की परमिशन तीसरा कंपनी लिस्टेड गवर्नमेंट के कर लेना। फिर जो वोटिंग राइट्स रहेगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है voting rights रहेगा, differential voting rights वालों का, वो टोटल वोटिंग राइट्स के 74 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो वोटिंग राइट्स रहेगा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होल्डर के पास वो टोटल वोटिंग पावर के 74% परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया हो यार फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न पिछले तीन फाइनेंशियल ईयर तक फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो फिर यार कंपनी ने पेमेंट का भी डिफॉल्ट नहीं कही हो किसका पेमेंट बोले डिविडेंड का पेमेंट, पेमेंट शेयर होल्डर का पेमेंट मैच्योर डिपॉजिट का रिपेमेंट प्रिफरेंस का रिडम्पशन डिबेंचर्स का रिडम्पशन इंटरेस्ट का रिपेमेंट इनके पेमेंट में किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फिर कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया हो शेयर होल्डर के डिविडेंड में बैंक के टर्म लोन के पेमेंट में इंप्लॉइज के स्टेशनरी अमाउंट के पेमेंट में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में जो अमाउंट ट्रांसफर करना था उसमें किसी में भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो मतलब कंपनी बहुत अच्छी है नालायक नहीं होना चाहिए फिर फिर क्या बोला है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया था अगर कंपनी ने क्या किया था डिफॉल्ट तो ऐसी सिचुएशन में जब डिफॉल्ट गुड हो जाएगा उसके पांच साल बाद ही तुम डीवीआर वाले शेयर इशू कर पाओगे उसके पहले नहीं फिर यार है ना कंपनी को पेनल्टी नहीं लगाई हो पेनलाइज नहीं किया हो बोले यार किसने बोले कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोले यार, यार कब नहीं किया हो बोले पिछले तीन साल में नहीं किया हो बोले यार कौन से एक्ट में नहीं किया हो बोले आरबीआई में नहीं किया हो सेबी में नहीं किया हो सीआरए में नहीं किया हो फेमा नहीं में किया हो किसी भी स्पेशल एक्ट में नहीं किया हो बोले ठीक है देख लेंगे नहीं कराओ रोयमत फिर ये स्पेशल बिजनेस है और जब ये स्पेशल बिजनेस है तो हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है एंड हमने देखा था कि लिस्टेड कंपनी पोस्टल बिलेट से पास करेगी और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी चीजें आपको बतानी है सेम टू सेम बकवास डायरेक्टर रिपोर्ट में करनी है और जो रजिस्टर रखोगे उसमें भी कर देनी तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वाले पॉइंट याद कर लो तो डायरेक्टर रिपोर्ट और रजिस्टर वाले अपना जाएंगे। फिर यार जो एग्जिस्टिंग मतलब जो वोटिंग राइट right वाले शेयर है ना उन्हें तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते हो डीवीआर में यार जो डीवीआर वाले शेयर है ना उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तुम वीआर में क्या मतलब बोले यार ये शेयर है ना हमेशा नए इशू किए जाते हैं ये शेयर हमेशा फ्रेश इशू होते हैं कन्वर्जन पर नहीं आते हैं खिल सर स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ फिजिकल मोड में इशू होता है क्या नहीं बेटा इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है ना कोई दिक्कत नहीं और इलेक्ट्रॉनिकली हुए हैं तो डिपॉजिटरी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उन शेयर्स को फ्रीज कर दिया जाएगा लॉक इन करने के लिए तीन साल के लिए राइट्स ऑफ होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स है ना तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वालों के जब इशू किया था तो इशू की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर उनके जो राइट्स बताए थे वो राइट्स इनके पास हमेशा रहेंगे तो जिन राइट्स के बारे में डिफरेंस किया है वोटिंग राइट्स और डीवीआर वालों में जिन राइट्स के बारे में डिफरेंस किया है बस उसी मैटर पर ये अलग अलग रहेंगे बाकी सारे मैटर पर क्या माने जाएंगे सेम माने जाएंगे रजिस्टर रखी लिया तुम लोगों ने यार नेक्स्ट इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है जो इन हो तो लिमिटेड बाय शेयर जो है वो इन रिडीमेबल शेयर इश्यू नहीं कर सकती है प्रेफरेंस हमेशा रिडीमेबल होते हैं इन नहीं हो सकते हैं फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अगर रिडिमेबल प्रिफरेंस इशू करना चाहती है तो उसे ये टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगी पहला आर्टिकल में परमिशन होना चाहिए दूसरा शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ेगी एसआर पास करके तीसरा पुराने प्रिफरेंस के रिडम्पशन में पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन इनका 20 साल रहेगा 20 साल में तुमको इनको पेमेंट करना ही पड़ेगा मैक्सिमम ड्यूरेशन इनका 20 साल रहेगा फिर यार जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है वो 20 साल से ज्यादा के प्रेफरेंशियर इशू कर सकती है हाँ हाँ सही सुन रहे हो तुम जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है वो 20 साल से ज्यादा के प्रेफरेंशियर इशू कर सकती है बट 20 साल बाद हर साल 10% 10 परसेंट प्रिफरेंशर का तुम्हें रिडम्शन करना पड़ेगा 10% 10-10 परसेंट का अगर रिडम्शन करते जाओगे कम से कम दस का रिडम्शन करते जाओगे तो दस साल के अंदर पूरा पेमेंट हो जाएगा फिर यार रिडम्पशन करना है मतलब हमने बोला था रीपेमेंट करना, री करना, मतलब करना है पैसा वापस करना है तो पैसा हमारे पास तो डिविडेंड बांट सकता है ना, वो वाला प्रॉफिट निकाल या एक काम कर नए शेयर इशू कर नए शेयर इशू करके तेरे पास पैसा आएगा ना उस पैसे को इनको दे देना तेरे कर तो को करना फिर जिन प्रिफरेंस का रिडम्पशन कर रहा भैया मेरे पेडअप होना चाहिए फिर <गेख> जब प्रिफरेंस का रिडम्पशन हमने प्रॉफिट में से किया है अगर प्रिफरेंस का रिडम्शन हमने प्रॉफिट में से किया है तो जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रिफरेंस का हमने रिडम्पशन किया है जितनी नॉमिनल वैल्यू के प्रिफरेंस शेयर का हमने रिडमशन किया है उसके बराबर एक अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर देना कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देना एंड कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट केवल बोनस शेयर बोनसू करने के लिए ही यूज करना और किसी से मत कर देना लपड़ मार तो. फिर पे जो करना है वो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से ले सकते हो फिर 55 इंपॉर्टेंट कंपनीज पोजीशन में नहीं है कि वो डिबेंचर्स का क्या कर सके रिडम्शन कर सके डिविडेंड दे सके है ना तो ऐसी सिचुएशन में पहले तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की थ्री फोर्थ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कंसेंट ले ले जब थ्री फोर्थ प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंसेंट दे देंगे उसके बाद किसके पास चले जाए ट्रिब्यूनल के पास क्या फाइल करते हैं फाइल करते हैं है ना और नए रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करते जैसे हमने क्या पढ़ा था क्या बोलते हैं हाँ हाँ सही बोल रहे हो रोल ओवर चले फिर फिर क्या दिया है जब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेंगे तो यार पेड अप कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और पेड अप कैपिटल रिड्यूस होती तो कौन सा सेक्शन लग जाता है सिक्सटी सिक्स तो क्या रिडक्शन ऑफ कैपिटल मान लू तो फिफ्टी फाइव के साथ साथ भी कंप्लाई करूं बोले नहीं 66 में हमने पढ़ा था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें कैपिटल रिड्यूस होती है फिर भी 66 सिक्स नहीं लगता है प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन उनमें से एक था फिर कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट को केवल फुल्ली पेड अप बोनस शेयर यूज करने के लिए इशू कर सकते हो फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करने का जो रिजोल्यूशन तुम पास करोगे रिजोल्यूशन में ये, ये चीजें लिखवा लेना कौन सी चीजें हाँ सही बोला तुमने ये, ये चीजें फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये, ये बकवास कर लेना रजिस्टर में भी यही कर देना फिर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर देना ड्यू डेट पर या उस इवेंट के होने पर जो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी थी तो एक फिक्स टाइम या इवेंट के हो जाने पर रिपेमेंट कर दो या किसी भी समय कर दो कंपनी के ऑप्शंस पर शेयर होल्डर के ऑप्शन पर ठीक है नेक्स्ट फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स, पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर फर्दर इश्यू पढ़ते हैं अपन तो, फिर हम लोग गए थे और बात की थी हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के ऊपर सो व्हाट इज स्ट्रैटेजी देर इज अ हो एंड देर आर देर इज अ हो एंड देर आर जो देश को अचिफ्ट गोल से क्या है स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट यूजेज स्विफ्ट नैनो मर्सिडीज

में हूं यार मेरी मैराथन चल रही है। चले, स्टार्ट करते हैं फर्दर इशू ऑफ शेयर्स सेक्शन 62 अब जो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स है उसमें तीन तरह के प्रोविजंस दिए हुए ना? जो है ना फर्दर तीन तरह के प्रोविजन दिए हैं सेक्शन ए जो राइट right इशू है राइट right इशू मतलब जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रपोर्शन बेसिस पर शेयर देते हैं उसे राइट right इशू कहा जाता है फिर सिक्सटी टू वन बी है इसोस मतलब इंप्लॉय को जब हम शेयर्स देते हैं उनके अलावा किसी को नहीं देते हैं वो इस हो जाता है तीसरा होता है. मतलब या को दिया जाता है जो कोई भी हो सकते हैं हाँ, प्रमोटर दे हो सकते हैं डायरेक्टर हो, हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं सब हो सकते हैं अब कोई भी हो सकते हैं। तो अब हम एक एक करके लेते हैं उम्मीद है आप बैठे बैठे रिवाइज कर रहे हो बेटा टू वन इज राइट इशू तो राइट right इशू मतलब जो कंपनी शेयर कैपिटल वाली है इफ कंपनी प्रपोजेस टू इंक्रीज इट सब्सक्राइब कैपिटल बाय बायुइंग फर्दर शेयर शेल बी ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रपोशनेट बेसिस तो जब कभी भी कंपनी फर्दर शेयर इशू करके अपनी सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाना चाहती है तो ये कंपलसरी होता है कंपनी के लिए कि पहले वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी वो भी प्रपोशनेट बेसिस पर बोले बेसिस मतलब क्या तो बोले यार एग्जिस्टिंग कैपिटल में उनका जितना परसेंटेज होल्डिंग है एग्जिस्टिंग कैपिटल में एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब इशू लाने के पहले की जो कैपिटल है उसमें उनका जितना परसेंटेज होल्डिंग है नए इशू के अंदर भी उतनी ही परसेंटेज होल्डिंग देना जैसे अगर कंपनी की कैपिटल है दस लाख रुपए मेरे पास 10 परसेंट शेयर है मतलब एक लाख और अगर कंपनी दो लाख के क्या ला रही है राइट right इश्यू ला रही है तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी हुई दस लाख हुई उसमें मेरी परसेंटेज होल्डिंग कितनी हुई दस परसेंट हुई नए शेयर कितने आ रहे हैं दो लाख के इस दो लाख में भी मुझे दस परसेंट ऑफर मिलेगा मतलब बीस हजार शेयर मुझे राइट इशू के रूप में मिलेंगे बोले यार राइट राइट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा अधिकार बनता है, का राइट बनता है है शेयर होल्डर का ही कि जब कभी भी कंपनी नए शेयर इशू करके अपने सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाएगी तो यार सबसे पहले शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देगी ये उनका राइट बनता है इसलिए इसे राइट इशू कहा गया है कंपनी का ऑब्लीगेशन है कंपनी को देना जरूरी है शेयर होल्डर का राइट है और हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं राइट छोड़ेबल होते हैं ऑब्लिगेशन नहीं मतलब शेयर होल्डर जिनको तुमने राइट दिया है वो शेयर ले है, जरूरी नहीं है बट तुमको उन्हें राइट देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ऑब्लिगेशन है एंड ऑब्लिगेशन छोड़ेबल नहीं होते हैं राइट फिर भी छोड़ेबल होते हैं और इसीलिए तो शेयर होल्डर चाहे तो खुद शेयर ले ले रेनाउंस कर दे किसी और के फेवर में

तो ऑप्शन का मतलब यही होता है राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन मेरा राइट right है बट मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है तो उन्हें हम क्या देंगे ऑप्शन देंगे कि भाई तू शेयर्स ले ले उन्हें हम ऑप्शन देंगे कि तू शेयर्स ले 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 वो जरूरी नहीं है फिर जो नोटिस दिया जाएगा उसमें बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनको ऑप्शन में हमने दिए हैं और उन्हें कम से कम पंद्रह दिन का टाइम दिया जाएगा कि डिटरमाइन करने के लिए कि वो शेयर्स ले रहा है या नहीं अगर वो शेयर ले रहा है तो पंद्रह दिन के अंदर तुम्हें पैसे भेज देगा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं ले रहा है टाइम खत्म हो गया मान लेना कि उसने लेने से मना कर दिया है कम से कम पंद्रह दिन मैक्सिमम कितने रहेंगे तीस दिन फिर वो जो नोटिस हम भेजेंगे वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाएगा या स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा जाएगा या कुरियर या दूसरे किसी तरीके से भेज सकते हैं सभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एंड कम से कम तीन दिन पहले भेजना है इशू ओपन होने से इशू ओपन होने से कम से कम तीन दिन पहले भेजना है तो हम सारे शेयर होल्डर को नोटिस देंगे उसमें उस ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि तुम शेयर्स ले सकते हो फिर उन्हें कम से कम पंद्रह दिन मैक्सिमम तीस दिन का टाइम देंगे ये डिसाइड करने के लिए वो शेयर्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं फिर वो जो नोटिस भेजोगे रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट कुरियर या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजोगे और सारे शेयर होल्डर को भेजोगे और कम से कम तीन दिन पहले दोगे इशू ओपन होने से <laughs> फिर ये कोविड वाला तो छोड़ दो फिर बोले यार प्राइवेट कंपनी और आईएफएससी पब्लिक कंपनी को इन पंद्रह दिन और तीस दिन के टाइम में और इन तीन दिन के टाइम में भी क्या प्रोवाइड किया है रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है बोले क्या रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है तो बोल दिया है अगर नाइनटी परसेंट ऑफ द मेंबर जो है प्राइवेट कंपनी या आईएफएससी पब्लिक कंपनी के 90 परसेंट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो राइटिंग में मतलब फिजिकल मोड में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसेंट दे देते हैं तो फिर हम टाइम पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं वो पंद्रह दिन के टाइम को रिड्यूस करके कम कर सकते हैं कितना कम अब जितना शेयर होल्डर बोल दे उतना कर ले फिर वो नोटिस जो तीन दिन पहले देना था उस टाइम को भी हम कम कर सकते हैं अब कितना कम शेयर होल्डर बोल रहे उतना कर ले रोये मतलब ना, बट इस लिमिट को बढ़ा नहीं सकते हैं। मेरे भैया कम कर सकते हैं फिर फिर क्या बोला है अगर प्रिस्क्राइब टाइम में की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आई तो हम मान लेंगे कि भैया ने शेयर्स लेने से एनओ मना कर दिया है अगर प्रिस्क्राइब टाइम में उसकी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आई तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लेते हैं अब अगर डीम्ड रिफ्यूजल हो गई उसने शेयर्स नहीं लिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन शेयर्स को किसी को भी दे सकते हैं जिसको देना कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस ना हो अगर राइट right इश्यू में शेयर होल्डर को हमने ऑफर दिया बट भाई ने शेयर नहीं लिए तो वो शेयर हम किसी को भी दे सकते हैं जिनको देना कंपनी के लिए डिसएडवांटेज ना हो फिर हम शेयर होल्डर को राइट ऑफ रिनाउंसिएशन देते हैं

शेयर होल्डर को रिनाउंस करने का राइट दे ही क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कंपलसरी होता है कि शेयर होल्डर को राइट टू तो रिनाउंस दे ही तो जब तक आर्टिकल में मना नहीं किया हो तब तक बोर्ड के लिए कंपलसरी है राइट टू तो रिनाउंस देना क्या मतलब अगर कंपनी चाहती है कि शेयर होल्डर को राइट टू तो रिनाउंस न दिया जाए तो अपने आर्टिकल में प्रोविजन रख ले कि हम होल्डर को रिनाउंसेशन का राइट नहीं देंगे अगर कंपनी ने ऐसा प्रोविजन नहीं रखा है तो बोर्ड के लिए कंपलसरी है कि वो राइट टू तो रिनाउंस देगा ही फिर शेयर होल्डर जिसने ना तो राइट रिनाउंस किया किसी के फेवर में ना खुद शेयर्स लिए हैं तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन शेयर्स को किसी भी पर्सन को दे सकते हैं जिनको देना कंपनी के लिए डिसएडवांटेजियस ना हो ये हमारा राइट इश्यू था भैया नेक्स्ट ईसॉस देखें ईसॉस का कैरिया अब बोला है कि ये ऑप्शन होता है जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स, ऑफिसर और एम्प्लॉय को देती है ऑप्शन होता है जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स ऑफिसर और एम्प्लॉय को देती है कौनसी कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय? तो वो अपनी कंपनी के हो सकते हैं होल्डिंग कंपनी के हो सकते हैं सब्सिडरी के हो सकते हैं ठीक है थीके? ऑप्शन में दे क्या रही है बोले राइट्स या बेनिफिट दे रही है ऑप्शन में दे क्या रही है बोले राइट्स या बेनिफिट दे रही है अब काय का राइट्स और बेनिफिट कि तुम परचेस कर सकते हो मतलब सेकेंडरी मार्केट से ले सकते हो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो मतलब प्राइमरी मार्केट से ले सकते हो अबे क्या बोले शेयर्स कब फ्यूचर की डेट पर

फ्यूचर की डेट पर डिटरमाइंड प्राइस पर यार एम्प्लॉय को दे रहे तो एम्प्लॉय में कौन आएगा एम्प्लॉय को दे रहे हैं एम्प्लॉय में कौन आएगा अरे बेटा एक पांच मिनट का ब्रेक और है ना के ऊपर सो वॉट इज स्ट्रैटेजी देर इज एंड देर आर देर इज एंड देर आर जो देश को अच्छे जोन से मुखिया है स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट मैनेजमेंट यूजेस स्विफ्ट

इसोस की डेफिनेशन देखी अब हम कौन कौन से इंप्लॉयज को दे सकते हैं इसोस e तो उसके लिए हमें ये बोला है यार परमानेंट इंप्लॉय को दोगे चाहे इंडिया में काम कर रहे हो या बाहर सेम स्वेट इक्विटी शेयर में देखा था फिर डायरेक्टर को दोगे होल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम स्वेट इक्विटी शेयर में भी ये देखा था बट हाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्टॉक ऑप्शन नहीं देते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं देना है फिर फिर बोल दिया है कि जो एम्प्लॉय हमने ऊपर पड़े हैं वो अपनी कंपनी के भी हो सकते हैं सब्सिडरी के भी हो सकते हैं होल्डिंग के भी हो सकते हैं एसोसिएट के भी ऐसा ही हमने स्वेट इक्विटी शेयर में भी पड़ा था ठीक है अब अब हमें क्या बोला है बोले लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को मत देना जो कंपनी के प्रमोटर भी हो या प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करते हो

फिर फिर क्या बोला है कि जो स्टार्टअप कंपनी है स्टार्टअप कंपनी ये जो अपने डायरेक्टर फायरेक्टर जो है ना इन्हें दे सकती है कितने साल तक दे सकती है दस साल तक दे सकती है दस साल तक स्टार्टअप कंपनी के ऊपर ये फर्स्ट एंड सेकंड क्लास एप्लीकेबल नहीं होगा है ना वो दे सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यार के अंदर अगर हमें शेयर इश्यू करने हैं तो हमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगी इसोस के अंदर अगर हमें फिर प्राइवेट कंपनी ऑर्डनरी रिजोल्यूशन से भी काम चला सकती है फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी की सारी बकवास करनी है तुमको सेम बकवास हाँ हाँ बोलो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर करनी है डायरेक्टर रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना फिर फिर क्या बोला है कि बोले यार वो जो इसॉस के अंदर में शेयर्स दे रहा हूं अपने एम्प्लॉइज को बोले यार वो किस प्राइस पर दूं यार तो बोले प्राइस है ना कंपनी खुद डिसाइड कर ले हमें कोई दिक्कत नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड कर सकते हैं एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस में वो शेयर्स परचेस करेगा कब करेगा फ्यूचर में करेगा एक्सरसाइज प्राइस मतलब जिस प्राइस में वो शेयर परचेस करेगा ऑब्वियसली कब करेगा फ्यूचर में करेगा फिर सेपरेट रिजोल्यूशन <laughs> यार एक एस तो हमें परमिशन लेने के लिए पास करना है शेयर होल्डर की कि मैं इसोस e लिया क्या जो ऊपर वाला हमने एसआर पढ़ा था वो केवल शेयर होल्डर की परमिशन लेने के लिए था कि मैं इसोस लेकर आ जाऊं या नहीं उन्होंने बोल दिया लिया फिर अगर मैं इन पर्सन को शेयर देना चाहता हूं तो मुझे एक और एस पास करना पड़ेगा फिर मुझे वापस से शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा एस पास करके कि भैया इनको शेयर दे दू क्या पहला वाला स्पेशल रिजोल्यूशन तो कंपलसरी एस आर कंपल्सरी वो तो आपने परमिशन लेने के लिए कर ही दिया फिर उसके बाद वाला जरूरी है कि नहीं तो बोले डिपेंड करता है अगर इन व्यक्तियों को तुम दे रहे हो तो देना कंपलसरी है पास करना कंपलसरी है है ना पहला अगर सब्सिडरी या होल्डिंग के एम्प्लॉय को दे रहा हूं तो एडिशनली पास करूं मतलब जो पहला वाला एसआर पास किया था वो केवल तुम्हारे डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए था सब्सिडरी और होल्डिंग के डायरेक्टर एम्प्लॉय के लिए नहीं था उनको भी देना है अलग से पूछ ले फिर आइडेंटिफाइड एम्प्लॉय को दे रहा हूं जिनका एनी वन ईयर के अंदर इक्वल टू और एक्सेडिंग वन परसेंट ऑफ इश्यू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी उनको ऑप्शन मिलेंगे है ना तो अगर इतना ज्यादा दे रहे हो एक परसेंट या उससे ज्यादा का ऑप्शन दे रहे हो भैया तो पूछ लो यार शेयर होल्डर से वापस से नेक्स्ट पेरिंग द टर्म्स ऑफ इसॉप बोले क्या इसॉप की टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंज किया जा सकता है जो इसॉस अभी तक एम्प्लॉयज ने एक्सरसाइज नहीं किए मतलब खरीदे नहीं हैं क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर सकता हूँ क्या यार अलाउ कर ले बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की अप्रूवल लेना पड़ेगी दूसरा वो जो चेंज तुम करोगे वो प्री मतलब हार्मफुल नहीं होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन होल्डर तीसरा जो रेजोल्यूशन पास करोगे उसमें वेरिएशन की सारी चीजें बता देना क्या प्लस क्या माइनस उसका होगा सारी चीजें शेयर होल्डर को डिसक्लोज कर देना नेक्स्ट मिनिमम वेस्टिंग पीरियड तो सबसे पहले हम ऑप्शन देते हैं ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को ऑप्शन देते समय देने के पहले हमें शेयर होल्डर से एस आर पास करके परमिशन लेनी है अपनी कंपनी वालों को लेना है तो हो गया बट अगर दूसरी कंपनी वालों को होल्डिंग और सब्सिडी वालों को दे रहे हो तो एडिशनली एक एस आर और पास कर लेना अब हमने ऑप्शन ग्रांट कर दिया है ना क्या बोलते हैं इसे ग्रांट ऑफ ऑप्शन हमने ऑप्शन दे दिया है ऑप्शन दे दिया मतलब ग्रांट कर दिया ऑप्शन दिया है मतलब उन्हें राइट दिया है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई करके शेयर्स खरीद सकते हैं ऑप्शन ग्रांट किया है मतलब उन्हें राइट दिया है कि वो ऑप्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई करके चाहे तो शेयर्स खरीद सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है तो हमने बोला था कि फ्यूचर की डेट पर तुम शेयर्स खरीद सकते हो प्राइस हम आज डिसाइड कर रहे हैं और शेयर्स खरीदो के कब फ्यूचर की डेट पर बोले ठीक है यार <coughs> अब क्या तो बोले यार वो फ्यूचर की डेट कब आएगी तो बोले कम से कम एक साल बाद तुम्हें ऑप्शन होल्ड करके रखना पड़ेगा कम से कम एक साल अभी तुम्हारे पास शेयर्स नहीं आए हैं अभी तुम्हें केवल ऑप्शन दिया गया है शेयर्स लेने का राइट दिया गया है और इस ऑप्शन को तुम कम से कम एक साल तक होल्ड करके रखोगे पहली चीज इसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड इसे क्या बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड तो होल्ड ऑप्शन फॉर मिनिमम ड्यूरेशन इज नोन एज वेस्टिंग पीरियड जब वो मिनिमम ड्यूरेशन मतलब कम से कम एक साल मतलब मैं ज्यादा रख सकता हूं कम नहीं जब वो एक साल कंप्लीट हो जाता है जब वो एक साल कंप्लीट हो जाता है मतलब वेस्टिंग पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तब स्टार्ट होता है एक्सरसाइजिंग पीरियड अब वो व्यक्ति अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और स्टार्ट होता है एक्सरसाइजिंग पीरियड उस एक्सरसाइजिंग पीरियड के अंदर जो पहले से अमाउंट डिसाइडेड था उस अमाउंट को देकर तुम क्या खरीद सकते हो शेयर खरीद सकते हो वापस से क्या बोला ग्रांट ऑफ ऑप्शन बोले क्या है इसके अंदर तो बोले यार है ना तुम हम तुमको सबसे पहले ऑप्शन दे रहे हैं मतलब राइट दे रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन करोगे तो फ्यूचर की डेट पर तुम कंपनी के शेयर खरीद सकते हो प्राइस अपन आज डिसाइड कर लेते हैं बोले फ्यूचर की डेट कब आएगी तो बोले टर्म्स एंड कंडीशन तो सुन ध्यान से पहली टर्म्स ये रहेगी कि तुमको मिनिमम ड्यूरेशन तक ऑप्शन होल्ड करके रखना पड़ेगा अपना राइट right होल्ड करके रखना पड़ेगा बोले बोले क्या मतलब तो इसे वेस्टिंग पीरियड कहते हैं इतने ड्यूरेशन तक अगर तुम ऑफर को होल्ड करके रखोगे तो तुम्हारा राइट वेस्टेड मतलब पक्का हो जाएगा जैसे ही वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ अब तुम्हारा राइट right क्या हो चुका है पक्का जब तुम्हारा राइट पक्का हो गया अब तुम शेयर खरीद सकते हो तो एक्सरसाइजिंग पीरियड चालू हो जाएगा एक्सरसाइजिंग पीरियड के अंदर एक्सरसाइज प्राइस पे करो और क्या ले सकते हो शेयर ले सकते हो तो वेस्टिंग पीरियड मिनिमम कितना रहेगा एक साल रहेगा ठीक है और ज्यादा आप रख सकते हो कम नहीं रख सकते हो इससे अब क्या तो बुले जैसे abc है abc ने अपने एम्प्लॉइज को क्या दिया था इसोस अब उनका वेस्टिंग पीरियड मिनिमम कितना होना चाहिए 1 ईयर सपोज अभी 7 मंथ ही हुए हैं और abc लिमिटेड क्या हो गई आहा बोला मर्ज हो गई किस में rll अब abc लिमिटेड मर्ज हो गई तो abc का सब कुछ खत्म हो जाएगा एम्प्लॉइज भी हटा दिए जाएंगे सब खत्म हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा तो ये जो ऑप्शन पड़ा हुआ था जिसे सात महीने ही हुए थे जो ऑप्शन अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया था क्यों नहीं किया था सात ही महीने हुए थे ज्यादा टाइम हुआ ही नहीं था तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ऑप्शन अब क्या रिलायंस ने ऑफर दिया अपनी तरफ से कि बोले काम करो एबीसी के एम्प्लॉय को रिलायंस ने कहा कि भैया मेरे काम करो देखो एबीसी की तो दुकान बंद हो चुकी है तुम्हारे पास एबीसी का क्या पड़ा है जो ऑप्शन वो हमसे एक्सचेंज कर लो बोले क्या मतलब बोले इसके बदले में रिलायंस ने बोला हम अपनी कंपनी का इॉस तुम्हें देते हैं तुम बदले में एबीसी का इॉस हमें दे दो हम अपनी कंपनी का इॉस तुम्हें देते हैं तुम बदले में एबीसी का इोस हमें दे दो ठीक <coughs> है यार अब एम्प्लॉज ने रिलायंस का इॉस e ले लिया तो रिलायंस का इॉस e लिया है तो फिर यार मिनिमम वेस्टिंग पीरियड वापस से पूरा क्या एक साल रखू मैं फिर रिलायंस का एक साल मेरे को रखना पड़ेगा बोले नहीं यार एबीसी के एसॉस e के बदले में इसे लिया ना एबीसी का इॉस तूने ऑलरेडी कितने महीने रखा था सात महीने पांच महीने तेरे बचे हुए थे ना तो अब एबीसी के एसॉस के बदले में जो तुझे रिलायंस का इन मिल रहा है वो तेरे को पांच महीने ही रखना है पांच महीने बाद ही तू ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है पूरा वापस से बारह महीने रखने की जरूरत नहीं है ये यहां पर दिया है फिर लॉक इन पीरियड स्पेसिफाई करने की कंपनी की फ्रीडम है और वो कितना भी लॉक इन पीरियड बता सकती है फिर डिविडेंड और वोटिंग राइट right. <laughs> तो अभी जैसे शर्मा जी हमारे एम्प्लॉय है हमने उन्हें क्या दिया है ऑप्शन तो भाई मेरे वो क्या है ऑप्शन होल्डर है वो ऑप्शन होल्डर है अभी तक उन्हें क्या नहीं मिला है शेयर जब क्या मिल जाएंगे शेयर तो क्या बनेंगे शेयर होल्डर और जब क्या बनेंगे शेयर होल्डर तब शेयर होल्डर वाले सारे राइट्स मिलेंगे मतलब डिविडेंड लेने का बोट करने का सारे राइट तब मिलेंगे ना जब तुम शेयर होल्डर बन जाओगे अभी तो तुम शेयर होल्डर हो ही नहीं अभी तो तुम ऑप्शन होल्डर हो तो जब तक भैया तुम ऑप्शन एक्सरसाइज करके शेयर होल्डर नहीं बन जाते तुम ऑप्शन होल्डर हो तो जब तुम शेयर होल्डर नहीं हो तो तुम्हें शेयर होल्डर वाले राइट right नहीं मिलेंगे तो जब तक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होता है ना तो तुम वोटिंग राइट रख सकते हो ना डिविडेंड कोई भी दूसरा बेनिफिट जो शेयर होल्डर को मिलता है वो तुमको नहीं मिलेगा क्स्ट फॉर फ्यूचर एंड रिफंड अब जो अमाउंट इंप्लॉयशन ग्रांट करते समय दिया था, हमने बोला था ना, सबसे पहले ग्रांट ऑफ ऑप्शन होता है वो खत्म हो जाता है तो एक्सरसाइजिंग पीरियड चालू होता है उसमें पैसा देके शेयर ले लो खत्म अब ऑप्शन ग्रांट करते समय कुछ मिनिमम अमाउंट हमने इंप्लॉय से लिया बोला बहुत अच्छा किया तो बोले वो अमाउंट हम फॉरफिट कर लेंगे अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया कब एक्सरसाइजिंग पीरियड में तो लेकिन अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था जिसमें गलती कंपनी की थी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस थी तो ऐसी सिचुएशन में उसे पैसा रिफंड कर देंगे फिर ऑप्शंस नॉन ट्रांसफरेबल अरे यार जैसे राइट right इश्यू हम रिनाउंस कर देते थे ना कि भाई तू ले लेना मेरी जगह मेरे को नहीं लेने तो क्या अपना ऑप्शन भी कर सकता है किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है नहीं जिसको ऑप्शन मिला है ना यार वही उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले या वो इंप्लॉय चाहे कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपना राइट right ट्रांसफर कर दू भी नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट डेथ परमानेंट डिसेबिलिटी रेजिग्नेशन ऑफ ऑप्शन होल्डर इंप्लॉय बोले यार ऑप्शन एक्सरसाइज करने से पहले अगर इंप्लॉय की क्या हो जाए डेथ तो डेथ की डेट तक जितने भी ऑप्शन थे सब उसके लीगल हायर्स को नॉमिनी को दे दो यार मर गया बेचारा उसके फैमिली की हेल्प होगी तो उसके लीगल हायर और नॉमिनी को सारे ऑप्शंस दे दो <coughs> कोई दिक्कत नहीं बोले ये गया तू एक्सरसाइज कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं फिर अगर इंप्लॉई काम करते करते परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है मतलब अब वो काम पर नहीं आएगा वो इनकेपेबल हो गया लेकिन जिंदा तो है ना हाँ, तो उसी को दे दे सारे राइट उसी को दे दे, मर गया था तो लीगल हायर को दिए थे अभी वो जिंदा तो है उसी को दे दे लेकिन मेरे भैया अगर वो रिजाइन करके चला गया या हमने उसे भगा दिया था तो उसके सारे ऑप्शन वाले राइट एक्सपायर हो जाएंगे हमने तो दिया इसलिए थे ऑफर ताकि तुम हमारी कंपनी में बने रहो हमारी कंपनी छोड़कर मत जाओ इसलिए दिए थे हमने और तुम ज्यादा तेज चल रहे हो रिजाइन करके जा रहे हो सारे ऑप्शन खत्म टर्मिनेट कर दिया तुमको हमने क्यों गलती तुम्हारी थी सारे ऑप्शन खत्म बोर्ड रिपोर्ट में सारी चीजें बताओगे बेटा आप रजिस्टर में भी सारी चीजें लिख दोगे आप लिस्टेड कंपनी है तो सेबी गाइडलाइंस कंप्लाई कर लोगे आप कंपनी का <coughs> तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स कंप्लाई कर लोगे आप, ठीक है? नेक्स्ट गु ऑफ शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस बोले क्या बोला तो बोले यार प्रेफरेंशियल ऑफर मतलब हम शेयर्स और सिक्योरिटीज दे रहे हैं सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को

प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि हम शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं e और राइट right इशू में तो शेयर्स आया था यहां सिक्योरिटीज आ रहा है 42 में भी सिक्योरिटीज आता है प्राइवेट प्लेसमेंट में भी तो सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर दे रहे हैं तो वो प्रेफरेंशियल इशू कहलाएगा अगर वो राइट right इशू नहीं है पब्लिक इशू नहीं है इन e नहीं है स्वेट इक्विटी नहीं है अब दूसरा कुछ नहीं है ना तो वो प्रेफरेंशियल इश्यू प्रेफरेंशियल ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा फिर कंपनी जो है वो फर्दर शेयर दे सकती है किसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के अलावा किसी पर्सन को दे सकती है और वो कैश कंसिडरेशन के बदले में भी दे सकती है कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश भी हो सकता है मतलब जिन पर्सन को आप शेयर कि वो कैश दे रहे हैं आपको पैसा दे रहे हैं या अदरवाइज देन कैश भी हो सकता है ठीक है

फुल्ली अप होना चाहिए अलॉटमेंट पर ही याद है में हमने पढ़ा था ना कि हम किसी पर्सन को शेयर दे रहे हैं और वो पर्सन पब्लिक को शेयर दे रहा है तो उसने पब्लिक को शेयर दिए तो माना जाएगा कि हमने बोला था उसे देने के लिए अगर दो कंडीशन होती है तो पहला अलॉटमेंट पर ही पूरा पैसा नहीं लिया था दूसरा आपने जब उस पर्सन को दिया उससे छह महीने में उसने पब्लिक को दे दिया तो इससे बचने के लिए हमने बोला था कि प्रेफरेंशियल इशू में इसलिए अलॉटमेंट पर ही शेयर्स को क्या कर दिया जाता है फुल्ली पेड अप एंड कम से कम छह महीने का लॉक इन डाल दिया जाता है ताकि वो ट्रांसफर ही ना कर पाए फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बकवास करनी बकवास फिर शियल बेसिस पर जो ऑफर है वो 12 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए रेजोल्यूशन पास करने से आज भैया पास किया है तो आज से कितने महीने में 12 महीने में खेल खत्म करके पैसा हजम कर दो 12 महीने में अगर तुमने अलॉटमेंट नहीं किया तो रेजोल्यूशन कैंसिल मान लिया जाएगा रेजोल्यूशन कैंसिल हो गया तो तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा चले फिर फिर क्या बोला है कि वो जो कैश कंसिडरेशन है अदरवाइज देन कैश कंसिडरेशन है सबका वैल्यूशन होना जरूरी है फिर अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हो प्रेफरेंशियल बेसिस पर क्योंकि प्रेफरेंशियल बेसिस में केवल शेयर्स नहीं है सिक्योरिटीज लिखा है कन्वर्टेबल अगर इश्यू कर रहे हो तो ऐसी भी वेल्यूशन रिपोर्ट तो सबमिट करना पड़ेगी मेरे भाई फिर कंसिडरेशन अदरवाइज देन कैश है तो क्या मिल रहा है असेट उस असेट का भी वैल्यूशन करवाओ रजिस्टर्ड वैल्यूअर सही फिर वही नॉन कैश कंसिडरेशन मिला था एप्रिशियबल असेट थी बैलेंस शीट में ले जा नॉन कैश कंसीडरेशन मिला था एप्रिशियबल असेट नहीं थी एक्सपेंसेस मान एल में ले जा <laughs> ये तो यार वाली बात है नहीं तो भी को दिए जाते हैं, प्रशन बेसिस पर दिए जाते हैं क्या कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो कंसीडरेशन शेयर होल्डर पे नहीं करता है उसके बिहाफ पर पैसा हम फ्री रिजर्व में से या स्पा में से या कैपिटल रिजर्व अकाउंट में से निकाल लेते हैं तो जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेसिस पर देती है शेयरेशन शेयर होल्डर से ही लेती है वो राइट right इश्यू हो जाता है शेयर देती है और कंसिडरेशन में शेयर होल्डर से कुछ नहीं लेती है हाँ, उनके बिहाफ पर पैसा में से, स्पा में से या सीआरआर में से निकाल लिया जाता है तो वो बोनस इशू बन जाता है बोनस इशू हमेशा फुल्ली पेडअप शेयर का ही होता है पार्टली पेडअप बोनस शेयर इशू नहीं होते हैं क्योंकि पार्टली पेडअप अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तो बाद में शेयर होल्डर से पैसा मांगोगे वो बोनस शेयर्स में तो शेयर होल्डर से कुछ भी पैसा लेना ही नहीं है इसलिए कॉन्सेप्ट यही होता है फुली पेडअप होना चाहिए पार्टली पेडअप नहीं होना फिर काय में से दोगे फ्री रिजर्व में से दे दो फ्री रिजर्व टू मच लाओ तुमको याद होना चाहिए टू मच लाओ

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन देंगे जैसे डिविडेंड के केस में देते हैं फिर शेयर होल्डर डिक्लेयर करेंगे वैसे ही बोर्ड रिकमेंड करेगा और शेयर होल्डर डिक्लेयर कर देंगे फिर प्रिफरेंस शेयर होल्डर के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पेमेंट में डिपॉजिट्स के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इंप्लाइज का जो है जैसे प्रोविडेंट फंड बोनस उनके पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फिर अगर जिन शेयर होल्डर को तुम बोनस शेयर दे रहे हो उनकी होल्डिंग पार्टली पेडअप शेयर की है तो यार पार्टली पेडअप शेयर को फुल्ली पेडअप शेयर बनाना यार बहुत अच्छा लगेगा हमें बिना उसके मत कर देना इशू तो बोनस शेयर होते भी फुल्ली पेडअप है और जिन शेयर्स के बदले में इशू किया जा रहा है वो भी फुल्ली पेडअप होना चाहिए फिर सारी कंडीशन करना और एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर रिकमेंडेशन uh, दे दिया तो बाद में वो उसे विड्रॉ नहीं कर सकते वो पक्के वाले सलमान खान बन जाएंगे एंड बोनस शेयर डिविडेंड के बदले में नहीं होना चाहिए ठीक है <coughs> यार 42 भी खत्म करते हैं वो सारे तरह के इशू हमारे लगभग खत्म हो जाएंगे लगभग क्या हो ही जाएंगे तो बोले प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब वही बोला है क्या कि हम सिक्योरिटीज दे रहे हैं सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को है ना प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर प्रेफरेंशियल बेसिस पर वो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है इसके लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पर्सन को आइडेंटिफाइड करते हैं अबे? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सन को आइडेंटिफाई मतलब सिलेक्ट करते हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल बेसिस पर मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर क्या देने हैं शेयर्स इन्हें आइडेंटिफाइड करके इनका रिकॉर्ड बनाया जाता है कौन से फॉर्म में पास फाइव के अंदर फिर वो रिकॉर्ड बनाने के बाद जब सारी बातचीत इनसे हो जाती है तब हम इन्हें पास फोर इशू करते हैं पास फोर जब कंपनी इशू करती है पास फोर होता है

फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में राइटिंग में भी दे सकते हैं डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ़ 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 रिकॉर्डिंग नेम सच तो पास फाइव में जब उनका नाम आपने रिकॉर्ड कर लिया था वहां से तीस दिन के अंदर आपको इंटीमेशन दे देनी है एंड मेरे भाई राइट ऑफ रिनाउंसिएशन नहीं होगा राइट ऑफ रिनाउंसिएशन केवल राइट इश्यू में होता और किसी में भी नहीं होता है। फिर फिर क्या बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है तो बोले यार वो है ना एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तुम 200 से ज्यादा को प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर शेयर्स नहीं दे सकते हो फिर 200 में सभी तरह के व्यक्तियों को इंक्लूड किया क्या बोले नहीं बोले क्यू को नहीं लेते हैं उन एम्प्लॉयज को नहीं लेते हैं जिन्हें इसोस के अंदर शेयर्स दिया मतलब साल भर में मैं कितने ही क्यू आई को शेयर दे सकता हूं साल भर में मैं कितने ही इंप्लॉई को शेयर दे सकता हूँ इस में बट अगर मैं प्राइवेट प्लेसमेंट ला रहा हूं तो यार वो 200 से ज्यादा को नहीं दूंगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का मिलाकर मतलब मैं एक बार से ज्यादा के लिए भी लेकर आ सकता हूं तो एक बार में मैं ऑफर पचास से ज्यादा को नहीं दूंगा साल भर का मिलाकर दो से ज्यादा को नहीं दूंगा एक फाइनेंशियल ईयर में फिर ये जो 200 की लिमिट है ये इंडिविजुअल है हर काइंड ऑफ सिक्योरिटीज की इक्विटी शेयर्स के 200 अलग हैं फ्रेंड्स के 200 अलग हैं डिबेंचर के 200 अलग हैं सबके 200 अलग-अलग हैं क्यूआईबी मतलब जैसा सेबी गाइडलाइंस के अंदर बताया 10 12 इंस्टीट्यूट के नाम दिए हुए हैं जो क्वालिफाइड होते हैं जिन पर सेबी को सबसे ज्यादा भरोसा होता है कि इनका इन्वेस्टमेंट सही है फिर अगर तुमने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा को शेयर दे दिए फाइनेंशियल ईयर में तो भैया मेरे वो पब्लिक इशू बन जाएगा डीम टू बी पब्लिक ऑफर तो प्रोविजन प्रोविजन आ गया यही तो बोलता है कि जो चीज नहीं है मैं बोल रहा हूं उसको वैसी मान ले मैंने तो प्राइवेटली ही शेयर्स दिए थे ये पब्लिक इशू नहीं है बट लॉ बोल रहा है कि तू तुझे पब्लिक इशू मान ले तुम ये एग्जांपल डाल सकते हो ना

फिर जो भी आइडेंटिफाइड पर्सन है जो शेयर्स लेने के लिए अप्लाई करना चाहता है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कंपनी ने दिया था वो भर कर दे देगा पैसा चेक या डीडी बनाकर या बैंकिंग चैनल के थ्रू देगा कैश में किसी भाव नहीं देगा कंपनी उस पैसे को यूटिलाइज नहीं करेगी जब तक कि कंपनी अलॉटमेंट ना कर दे और अलॉटमेंट करने के साथ साथ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल होना चाहिए दोनों चीजें होना चाहिए जैसे ही पैसा आता है उस पैसे को आप एक सेपरेट अकाउंट खोलकर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में सेपरेट अकाउंट खोलकर उसमें जमा कर दोगे और उस पैसे को अलॉटमेंट करोगे तभी निकाला जाएगा या अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो तो रिपेमेंट के लिए निकाला जाएगा वापस से जितना पैसा आया ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा इसकी पेनल्टी तक इंपॉर्टेंट है 42 की तो जितना पैसा आया है एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलो शेड्यूल बैंक में उसमें जमा कर दो और उस पैसे को दो ही पर्पज से निकालना पहला अगर तुमने अलॉटमेंट कर दिया है तो बिजनेस पर्पज से निकाल लो और अलॉटमेंट नहीं किया है तो रिफंड के लिए निकाल लो और वो पैसा तभी तक उसमें से मत निकालना जब तक तुमने अलॉटमेंट नहीं किया हो एज वेल एज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं कर दिया हो दोनों कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए अलॉटमेंट भी होना चाहिए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल होना चाहिए फिर अलॉटमेंट और पेमेंट वगैरह सब देखना पड़ेगा तो क्या बोला है अलॉटमेंट 60 दिन में हो जाना चाहिए अलॉटमेंट कर दो एंड अलॉटमेंट करने से 15 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दो 60 डेज में अलॉटमेंट कर दो अलॉटमेंट करने से 15 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास थ्री में फाइल कर दो पास थ्री है ना <laughs> ठीक है नहीं तो 12 परसेंट पर एन से इंटरेस्ट देना पड़ेगा साठ दिन के बाद तो पूरा पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल बैंक में जमा कर दो और दो पर्पज से उसे निकालना अलॉटमेंट करने के पर्पज से या रिफंड करने के पर्पज से जब अलॉटमेंट पर तुम निकाल रहे हो तो ध्यान रखना साठ दिन में अलॉटमेंट कर दो और अलॉटमेंट करने से पंद्रह दिन में पास थ्री फाइल कर दो। दोनों कंडीशन कंप्लाई करना तब होगा सीधी सीधी सी बात है। नहीं तो बारह परसेंट से ब्याज भरना फिर पब्लिक ऑफर नहीं है ये प्राइवेट ऑफर है और जब भी प्राइवेट ऑफर है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पब्लिक को इनवाइट कर नहीं करना है अगर तुमने किया तो भैया मेरे वो पब्लिक इशू बन जाएगा और अगर पब्लिक इशू बन गया तो खतरनाक प्रोविजन लग जाएंगे निपट जाओगे तुम पास थ्री पंद्रह दिन में कर देना है डेट ऑफ अलॉटमेंट कंप्लीट लिस्ट फाइल करना है पेन नंबर वगैरह सारी चीजें दे देना पास थ्री नहीं फाइल किया तो भी अलग पेनल्टी ए, एक हजार रुपए पर डे का फाइन लगता है जो मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव लाख रुपए तक जा सकता है दूसरे प्रोविजन के नॉन कंप्लाइंस की पेनल्टी अलग है पास थ्री फाइल नहीं किया उसकी पेनल्टी अलग है फोर्टी टू में ही दूसरे प्रोविजन की पेनल्टी ये देखिए फोर्टी टू का तो रहेगा जितना अमाउंट तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट में रेस किया था वो या दो करोड़ रुपए और कंपनी रिफंड करेगी पूरा अमाउंट विध इंटरेस्ट कितने दिन में तीस दिन के अंदर चले अब प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एसआर पास करके अप्रूवल ले लेना शेयर होल्डर की ये सारी इंटीमेशन उनको दे देना शेयर होल्डर को ना? फिर अगर डिबेंचर तुम इशू कर रहे हो तो बोरिंग हो जाएगी बोरिंग अगर हो रही है तो एक सौ अस्सी की लिमिट लगती है अगर एक सौ अस्सी की लिमिट नहीं हो रही है, तो ऑर्डनरी तो रिजोल्यूशन पास कर लेना एक सौ अस्सी की लिमिट क्रॉस हो रही है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लेना फिर यार पूरे साल भर का स्पेशल रिजोल्यूशन एक ही बार पास कर लू क्या नहीं ऐसा नहीं करना क्या मतलब मेरे को साल भर में चार बार प्रेफरेंशियल इशू लाना है तो साल शुरू हुआ तो मैं एक ही बार पूछ लू साल में चार बार लाऊंगा नहीं जितनी बार प्रेफरेंशियल इशू लाऊंगा हर बार परमिशन लेना पड़ेगी बिल्कुल लेना पड़ेगी बट हां डिबेंचर केस में मैं साल भर की इकट्ठी परमिशन ले सकता हूं डिबेंचर केस में है ना नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में मैं क्या कर सकता हूं साल भर की इकट्ठी परमिशन ले सकता हूं फिर वो आइडेंटिफाइड के अंदर रहेगा पास दिन में फाइल करना है SR फाइल किया है तो एमजीटी फोर्टीन भी जाएगा ठीक है तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स वाला हमारा लगभग पोर्शन खत्म हो गया है ना कल बाय बैक रिडक्शन और ये वाला सब कर लें अपन या मेमोरेंडम आर्टिकल करें तुम बताओ कौन सा चैप्टर कराऊं कल में आनंदिनी मुझे भी लग रहा था कि ये सब बाय बैक और सिक्सटी वन सिक्सटी सिक्स ये सब जो बचे हुए हैं ना कल अपन वो कर लेते हैं ठीक है एक पाँच सात मिनट का ब्रेक ले लेते हैं अपन और फिर अपन जे आई जी एल चालू करते हैं बाय बैक कर लेते हैं कल फिर उसके बाद एमओए ए चालू कर देंगे ठीक है और बाकी अपन ग्रुप पे डिस्कस कर ही लेते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ उस पर डिस्कस कर लेते हैं ठीक चलो पाँच मिनट का ब्रेक ले लो पाँच मिनट से मैं आई जी एल की लिंक शेयर कर देता हूँ